ओके दोस्तों, आप लोग प्रीव्यू वीडियो देख लिए दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो भाई अभी चैनल पर फर्स्ट विजिट करते हैं उन भाई लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों चलिए इस वीडियो को हम फटाफट से बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों इस वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास रहना चाहिए अलाइट मशन, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा एंड आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो मटेरियल का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में सॉन्ग बीट एंड सकी फेट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है इंपोर्ट करने में तो हाउ टू डाउनलोड बिग पर प्लस से की फिट है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रोजेक्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पर नवरात्रि सॉन्ग बीट मार्क और से की फिट, आपको ये दो चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नवरात्रि सॉन्ग बीट मार्क पर क्लिक करेंगे और दोस्तों आपको इस प्रकार से इंटरफेस नजर आपको आएंगे, ठीक है। इस प्रकार से देख सकते हैं बीट के हिसाब से आपको सब चीज़ लिखा हुआ मिलेगा। वीडियो को बस लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर फोटो लगाना है, ठीक है। तो 9.16 के रेशियो में आप फोटो ले लीजिएगा। बहुत वीडियो में बताऊँगा, अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि 9.16 के रेशियो में फोटो कैसे से मतलब कट कर लेते हैं, या कोई एप्लीकेशन से आप कर सकते हैं, आपको इतने पास दिमाग तो होगा ही। तो यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक करना है और कलर स्विच जाना है और पिक आर्ट पर क्लिक करके आपको 9.16 के रेशियो वाला फोटो जिसमें फोटो में लिए हैं उस फोटो को यहाँ पर ले लेना और प्लस करके क्लिक कर देना, ठीक है। मात्र प्लस क्लिक करें तो यहाँ पर आपको फोटो शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर तो काम हो गया दोस्तों, और अगले बिट पर क्लिक करें, प्लस क्लिक करें, मीडियम जाकर यहाँ पर फोटो लेना है, ठीक है। अपने देवी माँ के या किसी मतलब की कोई भी फोटो आप बना रहे हैं तो फोटो लीजिए। फोटो लेना है, थ्री आइकन क्लिक करके इसको फिल के उससे एरिया क्लिक कर देना, मतलब फुल स्क्रीन में कर लेना है, और आगे वाला तीर आइकन में क्लिक करके बचे हुए भाग को कट कर देना। दोस्तों ये अब हो गया, बैक कर देंगे, इसमें सेकी फिट लगाना, तो सेकी फिट में आ जाएंगे। और दोस्तों जो फर्स्ट लाइफ इफेक्ट आ रहा है ये वाला, इसको क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेंगे। कॉपी इफेक्ट करने के बाद बैक करके आपको यहाँ पे सॉन्ग बीट मार्क मतलब रात्रि सॉन्ग बीट मार्क में आ जाना है, और यहाँ पे काम हो गया फिर यहाँ पर, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करके पेस्ट पे कर देना, ठीक है। तो करने के बाद ऊपर के स्क्रॉल करेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जो पीला वाला लेयर बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि कहाँ तक गया है। तो यहाँ तक जाएगा तो ये वाला यहाँ तक मतलब यही वाला इफेक्ट को यूज करना है आपको, ठीक है। जहाँ तक लेयर जाएगा यहाँ पर किए जैसे कि पेस्ट किए उसी तरह से आपको आगे भी फोटो लगा लेना है और यहाँ तक पेस्ट कर देना है, ठीक है। 9.06 तक, ठीक है, यहाँ तक कर लेना है। 9.06 तक यहाँ तक आपको करना है। उसके बाद आपको फिर से यही काम करना है, इस पर क्लिक करना है, कलर स्विच जाकर फिर से आपको फोटो को रिप्लेस करना है। मात्र आपको इस पर फोटो रिप्लेस कर लेना, आपका फोटो भी आ जाएगा। अब यहाँ से कौन सा इफेक्ट लगेगा तो प्लस में क्लिक करके मीडियम जाकर पहले फोटो ले लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं अपने देवी माँ का फोटो ले लेता हूँ। लेने के बाद यहाँ पर फिर कब से मतलब फुल स्क्रीन में कट कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए ये वाला भी लेयर आपको यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ तक कौन इफेक्ट लगेगा इसके लिए बैक करके से इफेक्ट में आएंगे। और जो दो नंबर इफेक्ट आ रहा है ये दो नंबर पे, इस पर क्लिक करना है। इफेक्ट पर क्लिक करके आपको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे नवरात्रि सॉन्ग बीट मार्क में आ जाना है। और दोस्तों आपने यहाँ पाया ये काम हो गया, फिर आ गया, ठीक है। 10.22 प्लस मतलब सॉरी यहाँ पे इफेक्ट पर क्लिक करके इसको पेस्ट पर कर देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, फिर ये लेयर जहाँ तक जाएगा ये वाला पीला वाला, ठीक है, देख सकते ये यही वाला इफेक्ट आपको यहाँ तक यूज करना है। फिर आप देखेंगे तो ये कट जाएगा, फिर आपको यहाँ पर क्लिक करके कलर स्विच जाकर फिर से आपको फोटो को रिप्लेस कर लेना है, ठीक है। करने के बाद ये हो जाएगा आपको फोटो रिप्लेस, देख सकते इस प्रकार से। आप देख सकते हैं यहाँ पर 16.25, ठीक है, प्लस में क्लिक करके मीडियम जाकर फिर से आपको फोटो लेना है। तो यहाँ पर मैं देवी माँ का फोटो लेता हूँ, फिर आइम क्लिक करके इसको फिर कैप से एरे क्लिक कर दूँगा, आगे वाला तेरे आइम क्लिक करके बच्चों को भाग कट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ही फोटो का हम लोग कौन सा इफेक्ट लगाएंगे इसके लिए बैक करके से इफेक्ट में आएंगे। 1, 2, 2 का काम हो गया है, 1, 2 हो गया है। अब तीसरा इफेक्ट को कॉपी कर लेंगे, इफेक्ट को कॉपी कर लीजिए इस प्रकार से। कॉपी करने के बाद बैक करके आपको यहाँ पर नवरात्रि सॉन्ग बीट मार्क में आ जाना है दोस्तों, और यहाँ पर आपने आ जाना है जहाँ आप काम ने खत्म किया, ठीक है। ये तो हो गया है, अब यहाँ ठीक है, ये फिर क्लिक करके 17 पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पर 16.25, ठीक है। यहाँ से लेके आपको ये जहाँ तक लेयर जाएगा यहाँ तक आपको पेस्ट कर देना है। फिर आगे देखें तो ये रिप्लेस कर लीजिएगा फोटो को इस प्रकार से, इस पर क्लिक करके कलर स्विच जाकर इस पर क्लिक करके फिर से आपको फोटो को कोई भी मतलब अपना देवी माँ का फोटो जो भी बनाते हैं उसको ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हो जाएगा अब यहाँ पर, ठीक है। तीन इफेक्ट का काम कंप्लीट हो चुका है, ध्यान रखिएगा। प्लस में क्लिक करके मीडियम जाके फोटो लेना है, फिर से देख सकते हैं यहाँ पर देवी माँ का फोटो मेरा यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो यहाँ लिया, फिर हम से एरिया क्लिक कर देंगे, ठीक है, कट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया, अब ये देखिएगा छोटा ही लेयर जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए बाय करके सेक पेड में आएंगे और 1, 2, 3 हो गया है, 4, ठीक है, ये 4 वाला, इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक करके 4 नंबर पर जो फोटो देख रहे हैं उसको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपको फिर से यहीं पर आ जाना है दोस्तों, यहाँ पर, ठीक है। इस पर क्लिक करके प्लीज पे पेस्ट पर कर देना है, ये जहाँ तक लेयर जाएगा मात्र यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक जा रहा है तो यहाँ तक आपको इसी वाला इफेक्ट को पेस्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट मतलब कट गया है लेयर, देख सकते हैं इसका मतलब दूसरा इफेक्ट लगेगा, ठीक है। तो फिर से हमको फोटो लेना है, ठीक है। फोटो लेने के बाद इसको भी फिर से उससे एरिया की मतलब फुल स्क्रीन में करके कट कर देना, ठीक है। मात्र देखिए यहाँ पे एक ही इफेक्ट लगेगा, ठीक है। देख सकते हैं ये लेयर एक ही है, मतलब एक ही फोटो, और
इसके लिए हम लोग बैक करके आपको यहाँ पे ये वाला इफेक्ट कर लिए हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला। इस पर क्लिक करके इफेक्ट को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पाँच नंबर पे इफेक्ट को कॉपी करना, ध्यान रहे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो अब लास्ट काम बचा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग बताते हैं आपको, ठीक है, इसको भी कैसे लगाना। बस फोटो लगा देना है, बस मात्र आपको वेट के हिसाब से फोटो लगाना है बस। और यहाँ पर सेकंड जाकर लास्ट वाला इफेक्ट को जो दिख रहा है ये वाला, इस पर क्लिक करके इफेक्ट को अब कॉपी कर लेंगे, लास्ट वाला इफेक्ट को, ठीक है। कॉपी करने के बाद करके नवरात्रि सॉन्ग बीट मार्क में आ जाएंगे दोस्तों, और यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं जहाँ तक ये लेयर जाएगा, देख सकते हैं ये जहाँ तक लेयर जाएगा लास्ट तक जा रहा है, तो लास्ट तक आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से तो मेरा ये लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, तो अब आपको वीडियो बन जाएगा, उसको यहाँ पर शेयर कैम क्लिक करके वीडियो को एक्सपोर्ट करना, आपका वीडियो आपके गैलरी में सेव कर लेना है, ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसे लगा और आपको समझ में आया कि नहीं आज का ट्यूटोरियल, हमको कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।